गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 108. योर चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 18, टेक्सटाइल. सो लेट्स स्टार्ट. इन लास्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फैब्रिक डिजाइनिंग. वी विल लर्न अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ डिजाइंस, दैट इज ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी एंड कलमकारी. टुडे वी विल लर्न अबाउट इकत एंड बातिक. सो लेट्स स्टार्ट विद इकत. इकत इकत जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो कैसी होती है? थ्रेड ऑफ क्लोथ्स आर डाइंग इन डिफरेंट कलर्स. दे आर देन वॉन ऑन अ लोम ऑफ मेक क्लोथ विद डिजाइन ऑन इट. दिस इज द फेमस इन स्टेट ऑफ उड़ीसा. जो इकत होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, उनको अलग अलग कलरों में, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में उसको डाई किया जाता है, उन्हें कलर किया जाता है, और उसके बाद उन्हें एक लूप, एक लंबी सी वुड की लकड़ी की पटरी होती है, उसके ऊपर बांध दिया जाता है. उसके बाद उन थ्रेड्स से उस कपड़े के ऊपर डिजाइन किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है. उस तरह की एम्ब्रॉयडरी को हम कहते हैं इकत. इकत जो है वो फेमस है उड़ीसा में. उड़ीसा में इकत डिजाइन की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा की जाती है. सेकंड इज बातिक. बातिक इज द फर्स्ट ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ. वैक्स इज देन स्प्रेड ओवर द डिजाइन एंड अलाउ टू कूल इट. जो बाकित है, बाकित क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी डिजाइन है उसको हम कपड़े के ऊपर उतार लेते हैं, कपड़े के ऊपर उसको पेस्ट कर लिया जाता है. उसके बाद एक पिन के अंदर, एक पैन लेते हैं, उसके अंदर वैक्स डाली जाती है और उसको उसके अंदर कलर लगाया जाता है. साथ में जो भी डिजाइन कपड़े के ऊपर किया जाता है उसकी हेल्प से, वैक्स की मदद से, उसे पूरे डिजाइन को उसे कपड़े के ऊपर उतार दिया जाता है. बाद में उस डिजाइन को ठंडा किया जाता है जिससे कि वो डिजाइन जो है वो कपड़े के ऊपर इजीली आ जाता है. उस तरह की कलाकृति को हम कहते हैं बाकी. नाउ ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर वुमेन. एज यू ऑल नो द इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री विद मेनी स्टेट्स. जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं. द पीपल ऑफ ईच स्टेट ड्रेस इन अ डिफरेंट स्टाइल. ईच स्टेट हैज अ ट्रेडिशनल ड्रेस. हर एक स्टेट की जो लोग हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और हर एक स्टेट की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है. एक हर एक राज्य की अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहाँ की उनकी स्पेशलिटी है. जैसे कि असम, इन असम वुमेन वर अ मलखा चादर एंड ब्लाउज. एज यू सीन इन पिक्चर, जो वुमेन हैं असम में वो क्या करती हैं, मलखाल को पहनती हैं एंड चादर ली जाती है और ऊपर ब्लाउज पहना जाता है. ये असम की ट्रेडिशनल ड्रेस है. नाउ पंजाब. इन पंजाब वुमेन वर सलवार कमीज और चूड़ीदार. पंजाब में क्या होता है, वुमेन जो होती हैं वो सलवार कमीज पहनती है, परांदा लगाती हैं और चूड़ीदार फुलकारी वगैरह समथिंग कुछ लेती हैं. सो दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब. पिक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया है, यहाँ पे इन्होंने लहंगे पहने हैं, किसी ने सलवार पहनी है, फुलकारी ली है और परांदी लगाई है. दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब. नाउ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड एंड मिजोरम द वुमेन टाई अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ अराउंड द वेस्ट व्हिच रन डाउन टू द एंकल. दिस वॉन विद अ लॉन्ग टॉप और टी शर्ट. जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे लेडीज, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ऑलमोस्ट सेम होती है. यहाँ पे जो लेडीज हैं वो एक लंबा सा कपड़ा अपनी कमर से लेकर के अपने एंकल तक बांधती हैं और उसके साथ वो ऊपर टॉप, एक लंबा टॉप या कोई टी शर्ट जो है वो वेयर करती हैं, एज यू सीन इन द पिक्चर. सो दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नाउ हिमाचल. वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर वेयर सलवार विद लॉन्ग वुलन गाउन कॉल्ड फिरन. दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. जो वुमेन है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे जो वुमेन है
वो सलवार कमीज पहनती हैं और लॉन्ग लंबा सा एक गाउन पहनती हैं, और उसे हम फिरन कहते हैं। वो जो लंबा सा गाउन उन्होंने पहना होता है उसको हम फिरन कहते हैं। दोनों ठंड से बचाता है क्योंकि एज यू ऑल नो दैट हिमाचल प्रदेश और कश्मीर ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। नाउ राजस्थान, द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर राजस्थान इन राजस्थान एंड गुजरात इज द लहंगा चोली और घाघरा चोली। जो राजस्थान और गुजरात है वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे लोग लहंगा चोली या घाघरा चोली पहनते हैं। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मैन, जैसे कि ट्रेडिशनल ड्रेस वुमेन की होती है, सेम ट्रेडिशनल ड्रेस पर्टिकुलर स्टेट में मेंस की भी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जो मेन है वो दे वेयर अ सलवार और फिरन विद टर्बन और कैप। यहाँ पे जितने भी लोग मेंस हैं वो क्या करते हैं, सलवार पहनते हैं और फिरन ओढ़ते हैं, फिरन लेते हैं अपने ऊपर, और कैप पहनते हैं या टर्बन पहनते हैं। वो वहां के ट्रेडिशनल टोपी ही, जैसे हिमाचली टोपी और कश्मीरी टोपी पहनते हैं। नाउ कम टू द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु मेन वेयर लुंगी विद दिस वॉर्न विद अ कुर्ता और शर्ट। जो अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु है यहाँ पे जो मेंस हैं वो लुंगी पहनते हैं और लुंगी के साथ एक लंबा कुर्ता या कोई भी शर्ट जो है वो पहनते हैं। राजस्थान, राजस्थान द मैन वेयर चूड़ीदार कुर्ता एज अ ट्रेडिशनल ड्रेस। दे आल्सो वेयर धोती विद कलरफुल हेड ड्रेसेस। जो राजस्थान है वहाँ पे लोग जो है, जो मैन है वो लोग कुर्ता पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस एज उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है कुर्ता, और वो साथ में धोती पहनते हैं कुर्ते के, और कलरफुल कैप लगाई होती है उन्होंने, पगड़ी, कलरफुल पगड़ी वो पहनते हैं। नाउ इन पंजाब, अ कुर्ता पजामा और कुर्ता एंड लुंगी एंड हेड ड्रेसेस कॉल्ड पगड़ी इज पॉपुलर इन मेन। जो पंजाब है वहां पे लोग, जो मेन्स हैं वो लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुर्ते के साथ लुंगी पहनते हैं और साथ में पगड़ी पहनते हैं। जो हेड ड्रेसेस होती है उसकी, उनकी उसको हम पगड़ी कहते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि पंजाब के लोग टर्बन बांधते हैं, उस पगड़ी को हम लोग इन शॉर्ट टर्बन भी कहते हैं। सो दिस ऑल आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मेन। So that's all for today, students. Your homework is chapter number 18, textile. Read the page number 107 and 110 thoroughly from your book. बच्चे आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आफ्टर दैट आपने चैप्टर को रीड करना है। आपने अपने चैप्टर के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगेंगे एक नोटबुक पे नोट कर लेने हैं, एंड आपने किसी भी टाइम कॉल करके अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लेने हैं। आफ्टर रीड द चैप्टर यू हैव टू अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच मटेरियल आर यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी के लिए किस तरह का मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है। दीज टू क्वेश्चंस आर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको बुक में नहीं मिलते हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कॉल करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेटफुल डे।